ये सब क्या है मामा? साहूकार, क्या तुम्हें ज्ञात था कि भास्कर ही पंडित रामाकृष्णा का पुत्र है? जी जी हाँ। तुम्हारे कारण पंडित रामाकृष्णा का पुत्र भास्कर विजयनगर में आया, हमारे राज्य में रहते हुए हमारे जीवन में उत्पात मचाता है और अब वो अपनी माँ को भी लेकर आ गया है जो 20 वर्ष पूर्व हमारे भय से पलायन कर चुकी थी। जानते हो क्यों? तुम तो ये भी नहीं जानते कि एक एक करके शत्रु विजयनगर में प्रवेश कर रहा है। लेकर जाओ इसे और डाल दो कारावास में। यह अन्याय है, ऐसा अन्याय मत कीजिए, मत कीजिए मेरे साथ, मत कीजिए। तुम रुको, से हमें अभी काम है। जी। तुम्हारे पिता श्री तो जा चुके हैं, अब तुम्हें हमारे समक्ष अपनी योग्यता साबित करनी है। मैं कुछ समझा नहीं महामात्य जी। हम तुम्हें एक दायित्व सौंपना चाहते हैं। दायित्व क्या है महामात्य जी? भास्कर को घर से बेघर करना है। तुम्हारी सहायता के लिए राजकीय मोहर लगा आदेश पत्र हम शीघ्र तुम्हें दे देंगे। भास्कर का कल का सूर्योदय विजयनगर में नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं समझे? जी महामात्य जी, समझ गया। नकुश, तुम साहूकार के पुत्र के साथ रहोगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुम उसकी सहायता कर सको। महामात्य, आप आज्ञा दे तो मैं साहूकार पुत्र के साथ रहूं, कहीं उसे मेरी सहायता की आवश्यकता न पड़े। उत्तम विचार, कूच करें। जी महामात्य। शालदा, 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 गुंडप्पा, गुंडप्पे, झूला लगवा दीजिए और ये बैठक इधर लगवा दीजिए और हर कोने में एक फूलदान लगवा दीजिए। ये दीवारें बहुत गंदी है तो रंग करवा दीजिए और हर जगह दिए लगवा दीजिए। सब कर दूंगा, कृपया ये तो बताइए आप हैं कौन देवी? इस घर की स्वामी मंदाकिनी। इस घर की स्वामिनी तो मेरी माँ थी। किंतु अब नहीं। ये रहा महाराज के राजकीय मोहर वाला आदेश पत्र, लो। मैं पंडित रामाकृष्णा साहूकार सदानंद से 500 स्वर्ण मुद्राओं का ऋण ले रहा हूँ। यदि ये ऋण 5 वर्ष के भीतर सूद सहित लौटा पाने में असमर्थ रहा तो मेरे आवास का स्वामित्व साहूकार सदानंद जी का हो जाएगा। मिथ्या है, कोई कुटिल प्रपंच चाहिए। ये पत्र 20 वर्ष पूर्व राजकीय मोहर के साथ बना था। शीघ्र ही ये घर खाली कर दीजिए। आपको कैसा लगा हमारा ये उपहार? थोड़ा पुराना है पर सुंदर है, बस
थोड़ी सी मरम्मत करा दीजिए और रंग करवा दीजिए। मंदाकिनी देवी, सब कुछ हो जाएगा, अब चिंतित मत होइए। कल सुबह तक हम सारा कचरा फेंकवा देंगे। किंतु यहाँ कचरा है कहाँ? है, तुम सब कचरे के समान ही हो। कल सूर्योदय से पूर्व यहाँ से निकल जाना, नहीं तो आज घर से हाथ धोया है, और कल नगर से नहीं प्राणों से। चले क्या उठा लूं शारदा, इस घर को सर पर उठा लूं क्या? कहने का तात्पर्य यह है कि अपना अपना सामान बांधो और भाग चलो यहाँ से। नहीं शारदा, बहुत भाग लिए, अब और नहीं। तुम्हें ने कहा था ना कि ये घर बापू की धरोहर है, सत्य कहा था शारदा। बताए आज भी जब इस घर की किसी भी दीवार झरोके या खंबे को छूता हो ना, तो बचपन की सभी स्मृतियां लौट कर आ जाती है, और साथ ही लौट कर आती है बापू की छवि। और मैं अपने बापू की छवि को, उनकी प्रतिष्ठा को, उनके सम्मान को धूमिल नहीं होने दूंगा। तुम हम यहाँ से नहीं गए तो? चाचू, बापू लौट कर आएंगे, वो अपना वचन अवश्य निभाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और जब तक बापू लौट कर नहीं आ जाते, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। परंतु अब परिस्थिति बदल चुकी है भास्कर। ताता, ताता मत को ना, अभी हमारी आयु ही क्या है? कल अपनी जन्मकुंडली लेकर आना, देखकर बता दूंगा तुम्हारी आयु क्या है। अच्छा सुनो ना, क्या काला ने जो छोटे साहूकार के साथ मिलकर हमारे साथ छल किया है, उसका सामना कैसे करें? तो बताओ कैसे किया जाए। जब तक छोटे साहूकार के पास वो आदेश पत्र है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो यदि वो आदेश पत्र छोटे साहूकार के पास रहे ही ना तो? है? किंतु कैसे? एक योजना है मेरे पास। ताता, ताता, ताता नहीं। मेरे प्यारे ताता, ताता नहीं। अच्छा सुनो ना, देखो आज रात्रि तुम्हें किसी भी तरह साहूकार को उसके घर से बाहर ले जाना होगा। ले जाओगे ना? हाँ। ये ठीक नहीं, जब भी कोई संकट तुम पर आता है तुम हमें फंसा देते हो, ये कब तक चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा हाँ, तुम्हारी आयु बता दो सबको। बताओ। चलेगा। आज रात्रि वो राजकीय आदेश पत्र चोरी होगा। ओहो, छोटे साहूकार, तुम तो उन दोनों गुरुओं के सामने बहुत छोटे रह गए। कहाँ तुम, कहाँ वो? क्या? नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है वो तो बहुत आगे बढ़ गए। नहीं, जितना प्रेम हमारे पिताजी सुध से करते हैं, उससे कहीं अधिक हम मंदाकिनी से करते हैं। और अगर वो दोनों मंदाकिनी के आसपास भी गए तो विजयनगर में भी नहीं दिखेंगे। तुम नहीं जानते, वो दोनों तो संभवतः उसके दर्शन हेतु पहुंचने वाले होंगे। ये कदापि नहीं हो सकता। हो रहा है, अभी जाके उनकी खबर लेता हूं मैं। शीघ्र जाओ। लो, घर तो खाली हो गया, हमने अपना कार्य कर दिया। यदि हम पकड़े गए तो वो कहकाला हमारा काम तमाम कर देगा। हमें यहां से निकल जाना चाहिए। Divine.
ये क्या बात हुई मंदाकिनी देवी, छोटे साहूकार पे प्रेम की वर्षा और हम जैसे राजगुरुओं पर ऐसे रूखे व्यवहार क्यों ले? हमें उपहार में घर दिया है छोटे साहूकार ने। घर नहीं, खंडर दिया है सूदखोर ने। हमसे कहिए मंदाकिनी जी, हम तो महाराज से कहकर एक दो महल तो यूं ही खाली करवा देंगे। महल बाद में खाली करवाना, पहले तुम दोनों जिस स्थान पे खड़े हो ना वो स्थान खाली करो। साहूकार, तुम्हें हम जैसे राजगुरुओं धनीचारे मनीचारे से बात करते समय अपनी सीमा में रहना चाहिए। अच्छा, और तुम्हें राज्य की सीमा से बाहर रहना चाहिए। छोटे साहूकार जी, हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। अरे क्या कर रहे हो? अरे मंदा के लिए तुम यहाँ से चलो। अरे तुम दूर छोड़ो आप। क्षमा कर दीजिए, मैं कुछ मौत क्षमा कर दीजिए, मैं तो वो मैं क्षमा कर दीजिए। भले ही साहूकार उसके पुत्र ने जीवन भर अशुभ कार्य किए हैं, परंतु इस तिजोरी खोलने का अंग अवश्य कुछ शुभ होगा। 3 × 1 ये बहुत शुभ माना जाता है। कहीं वो दोनों गुरु और हमारे आवास में तो नहीं घुस गए? नहीं, वो कायर यहाँ नहीं आ सकते। तो कौन घुसा होगा? कौन सा अंक हो सकता है जो छोटे साहूकार को सबसे अधिक प्रिय हो? अरे कोई तो किताब में वही खाता होगा जिसमें उसने इस तिजोरी खुलने का अंक अवश्य लिखा होगा, जो वो बहुत सुरक्षित रखता होगा। शारदा, ये तिजोरी ही सबसे सुरक्षित होती है। मेरे विचार से छोटे साहूकार को सबसे अधिक प्रिय वही अंक होगा जो सबसे अधिक होता है, अर्थात 9, 9, 9, 9। भागो भागो भागो। अरे अरे हम क्यों भागेंगे? अरे तू भाग, तोता तोता कहीं का भाग भाग। नींद खराब कर दी। नकुश, कोई है क्या? नकुश, तुम्हारे होते घर में कोई घुस गया? मुख्य द्वार खुला हुआ था। यदि हमारे घर पे चोरी हुई तो हम सभी हानि वही खाते में ना तुम्हारा नाम चढ़ा देंगे। हाँ, यदि कोई आया है हमसे बचकर नहीं जा पाएगा। कौन है? What? कौन है? नकुशी, ईश्वर की कृपा से हम सही समय पे पहुंच गए। वो लोग कुछ चोरी नहीं कर पाए। परंतु मेरे लिए जानना आवश्यक है कि चोर कौन थे, नकुश के होते हुए किसने इतना दुस्साहस किया?
महाराज, मध्य रात्रि हो चुकी है, आप अभी तक जाग रहे हैं। ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसने आपकी नींद उड़ा दी है? महारानी, हमारी नींद इसलिए उड़ी क्योंकि उसकी नींद नहीं उड़ी। किसकी महाराज? भास्कर की। हमें समझ नहीं आ रहा महारानी कि भास्कर जैसा चतुर चालाक व्यक्ति अपना घर इतनी आसानी से देने के लिए तैयार कैसे हो गया। उठा लो उठा लो। सदैव मैं ही क्यों उठाऊं, इस बार तुम भी उठाओ ना। कढ़ाई, कर्ची, बेल। क्या है ना, बहुत भूख लग रही है शारदा, खाने के लिए कुछ बना दो ना। सत्य अपने बापू पर गया है तू, यहाँ इतनी विकट समस्या, तुझे भूख की पड़ी है। आदेश पत्र तो प्राप्त कर नहीं पाया, ये सोच के क्या करेंगे? छोटा साहूकार किसी भी क्षण आता ही होगा। आ गया, और साथ में आई है तुम्हारी नियति। सैनिकों को लाने की क्या आवश्यकता थी छोटे साहूकार, हम स्वयं ही यहाँ से जा रहे हैं। प्रणाम। चलो। भारी। पोटली का नहीं लोहे की बेड़ियों का बोझ उठाना है तुझे। सैनिकों, इसे साहूकार के घर में चोरी करने के अपराध में बंदी बना लो। महाराज महाराज, मैं चोरी क्यों करूंगा, मेरे पास कोई तर्क भी तो होना चाहिए ना। महाराज, इसके तर्क में ना उलझें, अपराधी को दंड सुनाएं। महाराज, इस चालाक आदमी ने, मेरे कहने का अर्थ यह है कि इस मूर्ख आदमी ने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इसे दंड तो अवश्य मिलना चाहिए। एक क्षण छोटे साहूकार, वो शेर कहाँ है जिसके मुंह में इसने अपना हाथ डाला है? नहीं नहीं महाराज, हम तो कहावत बोल रहे थे कि हम मतलब तुम शेर। इसके पश्चात अपने आप को कभी शेर मत कहना, नहीं तो वन का शेर बुरा मान जाएगा। महाराज, गत रात्रि इस भास्कर का सहयोगी वो तोता छोटे साहूकार के घर में देखा गया था। उस तोते ने चोरी की योजना ही चौपट नहीं की, हमें फंसा भी दिया। छोड़ूंगा नहीं उस तोते को। भास्कर, तुम्हारा मौन तुम्हारा अपराधी होना सिद्ध कर रहा है, और अब तो तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य भी है। अब तुम्हें अपराधी कहलाने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं महाराज, मैं पुनः विनती कर रहा हूँ, मेरे पास चोरी करने का कोई कारण ही नहीं है। मुझे दोषी मानने से पूर्व मात्र एक बार पुनः विचार कर लीजिए। कारण है तुम्हें घर से बाहर निकाला जा रहा है। क्या करूं, सारी योजना विफल हो गई है, मैं कैसे बचाऊं? मैं पुनः विनती कर रहा हूँ, मेरे पास चोरी करने का कोई कारण ही नहीं है। कारण है तुम्हें घर से बाहर निकाला जा रहा है, और तुम हर संभव वो कार्य करोगे जो तुम कर सकते हो ताकि तुम्हें घर से बाहर ना निकाला जाए। इसलिए मत कहो कि कारण नहीं है, कारण है। किंतु महाराज, उस खंडहर को घर कहना उचित नहीं होगा। खंडहर क्यों? हाँ महाराज, खंडहर। उस खंडहर की हर एक दीवार, हर द्वार, हर खिड़की, हर छत। छत एक ही है? हाँ वही छत एक ही है। आपको ज्ञात है चारों ओर से क्यों खुली है? ताकि हर दिशा से मनहूसियत और अपशकुन उसके अंदर आए। महाराज, उस घर ने मुझे आज तक कोई सुख नहीं दिया। मैं 20 वर्ष पश्चात भी ये सोचकर उस घर में गया कि कदापि अब सब कुछ बदल गया होगा, किंतु नहीं, उसका अभिशाप कभी नहीं जा सकता। महाराज, पहले मोरपंख वाली घटना हुई, उसके पश्चात मुझे चोर भी बनवा दिया। अब आप ही सोचिए महाराज, ऐसे घर को कोई अपशकुन और अशुभ क्यों ना कहे। और तो और, जब उस घर को छोड़कर जा रहा था तो ये
बंदी बनवा दिया। महाराज मैं तो आपका ऋणी रहूंगा, आप उस घर से मुक्ति दिला दीजिए मुझे। महाराज ये शब्दों का मायाजाल बुनकर आपको दिग्भ्रमित कर रहा है, तथ्य से भटका रहा है। इसकी चालाकी समझिए महाराज। समझे कि नहीं समझे? कैसी चालाकी महामात्य, मुझे उस घर में रहना ही नहीं है महाराज, वो घर अशुभ है। मैंने कितनी बार उस घर को बेचने का प्रयास किया ना शारदा, नहीं बिका। पूजा करके उस घर का दोष दूर करना चाहा किंतु नहीं हुए। महाराज आपके अतिरिक्त यदि मैं किसी का आभारी हूं तो वो है छोटे साहूकार। छोटे साहूकार ने स्वयं आकर मुझे उस घर से छुटकारा दिलाया। छोटे साहूकार आपका लाख लाख धन्यवाद। मामात्य जी कहीं सही में वो घर आप शगुन तो नहीं है? महाराज ये एक अपराधी है, इसके तर्क वितर्क पर विचार करना उचित नहीं है, बल्कि इसके अपराधों को देखते हुए इसे दंड देने पर विचार किया जाए। उठा लो अपने शास्त्रों का ज्ञान, उठाकर सबको पराजित कर, दिखा दे कि तू किस महाज्ञानी पंडित रामकृष्ण का अंश है। शारदा देवी ध्यान से देखो, ये दरबार है। दरबार क्या बोल रही हो तुम? भास्कर तुम्हारी माता देवी शारदा भरे दरबार में अशिष्टता कर रही हैं। इन्हें शांत करवाई। शांत नहीं अशांत हो गई। चप चप अपमान और अन्याय देखेगा, क्योंकि ये पंडितों का पंडित रामकृष्ण का पुत्र है। देवी शारदा शांत हो जाइए, अन्यथा एक माँ की रक्षा के लिए उसका पुत्र है। हम घोषित करते हैं कि अभी के अभी भास्कर को कारागार में डाल दिया जाए। सैनिकों ले जाओ उसको। कर दी, तुमने अपनी बात सत्य सिद्ध कर दी शारदा, तुम्हें विजयनगर में लाकर मैं फंसी गया ना? महाराज नहीं, महाराज मैंने कुछ नहीं किया। महाराज मेरी प्रभु छोटे साहूकार। महाराज क्षमा चाहते महाराज इस तरह से आने के लिए। छोटे साहूकार आप बर्बाद हो गए, आपके सभी बही खाते और संधि पत्र को दीमक खा गए। महाराज सब कुछ बर्बाद हो गया। महाराज अब हमारे पास लेन देन का कोई लिखित लेखा जोखा नहीं बचा। महाराज महाराज बचा लीजिए, महाराज सब बर्बाद हो गया। देखा महाराज छोड़ो देखा महाराज देखा, छोटे साहूकार के पैर अभी तक उस घर में पड़े भी नहीं है और बर्बादी पहले ही उनके पीछे पड़ गई। छोटे साहूकार इसके ऋण का आपके पास में कोई प्रमाण नहीं? जी महाराज अब किसी के ऋण का कोई प्रमाण नहीं है। उस घर की मनुष्य दीमक बनकर सब कुछ खा गई महाराज, कुछ नहीं छोड़ा। महाराज कुछ नहीं छोड़ा। छोटे साहूकार तुम होश में तो हो? नहीं सब कुछ बर्बाद हो गया एक खंडर घर के चक्कर में। मुझे तो डर है महामात्या जी कि इस मनुष्य का अगला निशाना आप ना हो। महाराज मैं तो आपके लिए चिंतित हूँ, उस संधि पत्र पर मोहर तो आप ही ने लगाई थी ना। हमने निर्णय ले लिया है। भास्कर वो घर तुम्हारा था और वो तुम्हारे नाम पे ही रहेगा। नहीं महाराज नहीं, ये अन्याय है महाराज, मुझे उस घर में जाना ही नहीं है। मैं तो उन संधि पत्र की ओर देखूंगा भी नहीं महाराज। भास्कर इस बार तुम बाल बाल नहीं बच सकते।
अर्थात हमारे आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। ये जबरदस्ती है महाराज, ये एक राजा की अपनी प्रजा की ओर जबरदस्ती है। महाराज आपका निर्णय बिल्कुल सही है, ये अपना अपशगुन हम सब पे थोप रहा है। हम आते भास्कर के नाम पर उस घर के कागजात तैयार करवाए जाएं और उन कागजात पर स्वयं हम राजकीय मोहर लगवाएंगे और उन कागजात को भास्कर के साथ हम उस घर तक छोड़कर आएंगे। मात्र रूप ही नहीं गुण भी वही अपने बापू के पाए है तूने। भास्कर ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे बुरे कर्मों के फलस्वरूप इस घर की तुम्हें बधाई हो। बधाई मत दीजिए महाराज, मत दीजिए बधाई, ये घर नहीं हमारी व्यवस्था है। किंतु कर भी क्या सकते हैं, आपका आदेश तो टाला नहीं जा सकता ना। तुमको इस दुविधा में देखकर आज हमें बहुत आनंद हो रहा है। महाराज आपका आदेश सर आंखों पर, अब भाग्य में जो है वो भुगतना तो पड़ेगा ही। तुम्हारी माता तुमसे ज्यादा समझदार है। चलिए मेरे समीप आने की चेष्टा भी मत कर। वहां दरबार में तो बंदीगृह भिजवाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुमने। परंतु भास्कर। क्या भास्कर? क्या? अरे अरे छोड़ो। चलो चलो ठीक है, कभी तो बंदी बनवाने का कार्य करती हो और कभी तो इतना प्रेम उमड़ कर आता है कि हटो। गई सारी ऐसा क्या, तूने अपने बापू की लाज रख ली। चल गुंडप्पा पुनः अपने घर, वो भी संपूर्ण अधिकार और कर्म के साथ। भास्कर आज तुमने प्रमाणित कर दिया कि तुम अपने कुल के दीपक हो, अपने पिता के अंश हो। दादा वर्षों बीत गए, सब कुछ बदल गया, केवल तुम नहीं बदले ना। आज तुमने भी प्रमाणित कर दिया कि एक दिन सूर्य भी पश्चिम से उग सकता है, किंतु तुम्हारा प्रपंच, तुम्हारा पाखंड कभी समाप्त नहीं हो सकता। अर्थात? अर्थात ये कि हमें हमारे आवास से निकलवाने का छल कैकाला के साथ मिलकर तुमने रचा था। एक तरफ साथ देने की बात करते हो और दूसरी तरफ हमारे पीठ पे छुरा घोंपते हो। तुम्हें क्या लगा मुझे ज्ञात नहीं होगा, धनी मनी ने सब कुछ बता दिया है। अरे क्या तुमने आज तक जो कुछ भी किया स्वयं के लिए किया, मुझे भी विजयनगर में स्वयं के लिए ही रोका। अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए तुमने मेरा उपयोग किया, क्यों? ये सत्य नहीं है भास्कर। तो क्या सत्य है? सत्य ये है कि तुमने जो कुछ भी किया उचित किया। तुम चाहते क्या हो दादा, मेरे पिता का बदला लेना चाहते हो मुझसे, मुझे मेरे घर से बेघर करना चाहते हो, क्या चाहते हो तुम? भास्कर इन सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएंगे, परंतु उससे पूर्व हमें ये बताओ कि तुम साहूकार की तिजोरी तक पहुंच गए, उसे खोलने में सफल भी हो गए, परंतु फिर भी तुम अपने कागजात नहीं चुरा पाए, क्यों? चेष्टा की थी नहीं कर पाया, अवसर हाथ से निकल गया। निकल गया अथवा निकल जाने दिया, हमें मूर्ख बनाने का प्रयत्न मत करो। यदि तुम साहूकार की तिजोरी में दीमक रख सकते हो तो क्या अपने कागजात नहीं चुरा सकते थे? तुम कुछ भी मत बोलो दादा। ये मुंह फेर लेने से सत्य नहीं बदल जाएगा भास्कर, और सत्य ये है कि तुम केवल अपने विषय में नहीं सोचते हो, दूसरों के विषय में भी सोचते हो। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम मात्र अपने कागजात लेकर निकल जाते, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया,
तुमने पूरी तिजोरी में दीमक लगा दी ताकि ये साहूकार और केकाला द्वारा प्रताड़ित तुम जैसे अन्य व्यक्तियों को भी न्याय मिल सके, उन्हें उनकी संपत्ति से हाथ न धोना पड़े। पंडित रामकृष्ण की भांति तुम भी विजयनगर वासियों के हित में सोचते हो जो तुम्हें ज्ञात नहीं था, और इसी बात से हमारे अंदर ये विश्वास बढ़ता चला गया कि तुम पंडित रामकृष्ण जैसे हो, बुद्धिमान हो, दयालु हो, न्यायप्रिय हो, क्या अब भी हमें बताने की आवश्यकता है कि हमने ये प्रपंच क्यों रचा? समय बीत गया किंतु आज भी शारदा के हाथ के बने लड्डुओं की सुगंध नहीं बदली। वश्य शारदा को ज्ञात हो गया होगा कि मैं आ रहा हूं। चूहा फंस गया, चूहा फंस गया। तुम कौन हो? भास्कर, मैं बापू, मैं तेरा बापू। बापू, 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 क्या है ये? ये चूहा पकड़ने का पिंजरा है बापू। मैं अभी तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्षमा करना, अभी तुम्हें मुक्त करता हूँ। झुक जाओ। अरे रे, बापू कहाँ जा रहे हो? मैं वापस जा रहा हूं। किंतु क्यों? क्योंकि मुझे ज्ञात नहीं था कि मेरा पुत्र इतना मूर्ख है। अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। नहीं नहीं बापू, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं जाकर ही रहूंगा, छोड़ मुझे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा बापू, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं कहता हूँ मेरा हाथ छोड़। नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। बापू, बापू, बापू ने कांता। तो बापू कहाँ है? बापू तुम्हारे मस्तिष्क में, और कहीं नहीं है। ओ तेरी, इसका मतलब ये स्वप्न था, फिर वही स्वप्न। पता नहीं ये स्वप्न कब सत्य होगा कांता। तुम्हारा ये स्वप्न तो अवश्य सत्य होगा, लेकिन उसका क्या? किसका क्या? तुमने मुझे जो वचन दिया था उसका। वचन? कौन सा वचन? कैसा वचन? वो वचन जो तुमने मुझे दिया था कि अगर तुम्हारी माँ मिल जाएगी तो तुम मुझे सुंदर सुंदर उपहार दिलाओगे। मैंने तुम्हें कब कोई वचन दिया? और नहीं तो क्या तुम्हारे भूत ने वचन दिया था? चलो आप मंडी। तो चलो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं शीघ्र ही महाराज का सलाहकार बनने वाला हूँ, उसके पश्चात तुम्हें ढेरों उपहार दिलवाऊंगा। क्या? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? क्यों, हंसने वाली कौन सी बात नहीं है? इतना मनोरंजक चुटकुला तुमने सुनाया है, राजा का सलाहकार, वो भी तुम बनोगे? वाह 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 वाह। क्या वाह 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 वाह? सलाहकार के सर पे कोई सींग होते हैं या पीछे पूंछ होती है? अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमसे किसने कहा कि तुम राजा के सलाहकार बनोगे? आम्रपाली ने। आम्रपाली ने? नहीं, मेरे कहने का अर्थ है कि जब मैंने आम्रपाली को मोर पंख वापस लाने का वचन दिया था और उसे उपवास का अर्थ बताया था, तो जिस प्रशंसा भरी दृष्टि से वो मेरी ओर देख रही थी, मुझे उसी से ज्ञात हो गया था। मानो वो मुझसे कहना चाह रही हो कि मुझमें महाराज का सलाहकार बनने के सभी गुण विद्यमान हैं। क्या बात है, तुम आजकल अम्रपाली के नाम की माला कुछ अधिक नहीं जपने लगे हो? बात क्या है? ये? बात क्या होगी? बात मात्र इतनी है कि
आम्रपाली मित्र है मेरी, और एक सच्चा मित्र ही अपने मित्र की योग्यता को पहचान सकता है। तुम भी सीखो कुछ। चलता हूँ, दरबार जाना है। ठीक है, फिर साथ चलते हैं। मुझे भी दरबार जाना है। तुम्हें क्यों? क्योंकि महामात्य को उनके होने वाले सबसे ज्ञानयुक्त, चतुर और सबसे बुद्धिमान सलाहकार के बारे में मुझे कुछ सलाह देनी है। तुम कितनी भोली हो। अरे मैं तो परिहास कर रहा था कपटी कांता। तो मैं परिहास नहीं कर रही हूँ, मेरे बोंदू भास्कर। तो दरबार चले या मंडी? चलो मंडी। ये वाली बहुत सुंदर है। जो भी कंगन झुमके अधिक मूल्यवान हो उनके लिए एक उंगली उठाकर संकेत दे देना, क्योंकि मैं सस्ते वाले गहने ही खरीदूंगा, अन्यथा कुछ नहीं खरीदूंगा। समझ गए? ये कैसा लग रहा है मुझ पे? दिखाओ ये। ना ना ना, ये तो बड़ा ही बेकार सा लग रहा है। अच्छा, पर मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। देख लो, जो सत्य था मैंने तो वही कहा। ठीक है महोदय, यही वाला दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, अब अगर ये अच्छे नहीं है तो कुछ और खरीद लेती हूँ मैं। हाँ, कुछ और देखो ना। ये बड़ा सुंदर है। हे प्रभु, ये तो है कांता, किंतु तू है सब कुछ जानता कि इतना मूल्यवान कंगन मैं क्रय ही नहीं कर पाऊंगा। सहायता कर प्रभु, सहायता कर। हटो सामने से, मंडी खाली करो। अरे वाह, सहायता आ गई, अर्थात क्या काला आ गया। चलो चलो कांता, बाद में पुणे आते हैं। चलो। ये तो मात्र आम्रपाली की पालकी है, प्रतीत होता है क्या काला नहीं आया। ये क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो जान से जाओगे। आम्रपाली की पालकी है वो। हमारा नाम भी ना कांता नहीं, चिंता होना चाहिए था, चिंता। अरे आम्रपाली होगी तुम्हारे लिए, मेरी तो मित्र है। तुम्हारे मित्र? और नहीं तो क्या, देखना मैं कैसे अभी तीर की भांति जाऊंगा, वीर की भांति उससे मिलूंगा, और वो मुझसे हंस हंस कर बातें करेगी। देखो भास्कर, सुनो सुनो, मत जाओ। अरे ये नीली वाली नीचे क्यों रख दी? ये तो बहुत जचेगी। पिताश्री, हम आपको वचन देते हैं, अब हम भास्कर से कभी नहीं मिलेंगे। वैसे ये लाल वाली भी बहुत अच्छी है, किंतु लाल और हरी चूड़ी को यदि मिलाकर पहना जाए ना तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। सच्ची महामात्य की जय। क्या सोचना है? पंडित रामकृष्ण भाग गया। रुक जाइए ना कुश महोदय, अज्ञानी है वो, हमने उन्हें क्षमा किया।
चलिए हमारे साथ। देख के नहीं चल सकते, मेरा आटा खराब कर दिया। क्षमा कर दो भाई, क्षमा कर दो, जाओ। जिसे कह रहे थे तुम अपना मित्र, उसी के चक्कर में हालत हो गई विचित्र। उस आम्रपाली ने मेरा अपमान किया ना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, नहीं छोड़ूंगा। महामात्य की जय हो। क्या सोचना है? वो पंडित रामाकृष्ण भाग गया। तय कला के साथ हास्य मृत्यु के द्वार तक पहुंचा सकता है, समझे कि नहीं समझे? ये हास्य नहीं है, सत्य है। क्या? जी। ये कब हुआ, कैसे हुआ? एक पहर पूर्व की बात है। तो उसे यहाँ जाना चाहिए था, आया क्यों नहीं? होता है, हृदय घात हुआ है। खैरो, वो बहुत चतुर है, इसमें अवश्य इसकी कोई चाल होगी। लगता है सच में इसे हृदय आघात हुआ है। कृष्ण के प्राण जा चुके हैं। इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो और महामात्य को शीघ्र सूचित करो। उसके पश्चात भूत नहीं, मैं वो हूँ जिसे देखकर भूत भी चार कोस दूर भाग जाते हैं। मैं पंडित रामाकृष्णा,
जीवित हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी श्वास तो परसों पूर्व सीखा गया योग आज काम में आया है। अरे तुम्हें क्या ज्ञात कि मैं पूरे एक शहर तक श्वास रोककर शवासन में रह सकता हूँ। तलवार निकालने का कोई लाभ नहीं, कुछ ही क्षणों में तुम सबके नेत्रों के आगे अंधेरा छा जाएगा। जब नेत्र खुलेंगे ही नहीं तो तुम देखोगे क्या? इसे कहते हैं आंखों में धूल झोंकना। अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ सब। उसके पीछे भागो, हो सके तो उसे मार दो। जाके महामात्य तक ये संदेश पहुंचाओ। अर्थात उस चतुर पंडित रामकृष्णा को पहले से ज्ञात था कि महाबवंडर किस समय किस घड़ी किस नक्षत्र में आने वाला है। यदि पंडित रामकृष्ण विजयनगर पहुंच गया तो हमारी समस्त योजनाएं विफल हो जाएंगी। किसी भी मूल्य पर रामकृष्ण बचना नहीं चाहिए, समझे कि नहीं समझे? जी। इतना समय बीत गया किंतु आपकी कोई सूचना नहीं मिली। कहाँ हैं आप, किन परिस्थितियों में हैं, कब वापस आएंगे? अब आपके बिना और नहीं जी सकती मैं। अम्मा का संदूक। आज आपकी बहुत याद आ रही है अम्मा। आपका संकेतों में मुझसे वार्तालाप करना, मेरा आपकी वाणी बन जाना, सबको ये बताना कि आप क्या कहना चाहती हैं, मुझे अभी भी याद है। आप कहती थी कि मौन व्रत रखने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, किंतु अम्मा आज आपने पुनः एक बार फिर मुझे संकेत दे दिया। मेरी भी मनोकामना पूरी होगी। अब जब तक आपका पुत्र वापस नहीं आ जाता मैं भी मौन व्रत रखूंगी। बात करना तो दूर, मेरी ओर देखा तक नहीं। और तो और उस नकुश ने जब मुझे धक्का मारा तो उसको भी नहीं रोका। इस आम्रपाली को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कोई आवश्यकता नहीं है अम्मू के आसपास भी भटकने की। क्यों ना भटकूं? मैं भटकूंगा, मैं उसके आसपास भटकूं चाहे मटकूं। तुम्हारे पेट में क्यों पीड़ा हो रही है? तुम्हें समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ कि आम्रपाली से दूर रहो। और अब अगर अधिक विलंब हुआ ना दरबार पहुँचने के लिए तो तुम्हें सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इतना आसान नहीं है मुझे बाहर का रास्ता दिखाना। अब मुझे बाहर का नहीं भीतर का रास्ता देखना है, मोरपंख चुराने के लिए। मोरपंख? हाँ, अपमान का बदला तो लेना पड़ेगा ना। अरे भास्कर सुनो, देखो तुम्हें मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरी बात मान जाओ। अम्मा,
मेरी अम्मा आ गई, मेरी अम्मा लौट आई, मेरी अम्मा आ गई, मेरी अम्मा। विक्षिप्त हो गए हो क्या? ये अम्मा कैसे हो सकती है? कहीं अम्मा का भूत तो नहीं है? भूत उनके होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी हो। और तुम कैसे जानती हो कि अम्मा अब जीवित नहीं है? तुम्हें कैसे पता? अरे तुम, ये है कौन? शारदा, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा? और तुम पहले मुझे ये बताओ, तुमने अम्मा की भांति वस्त्र क्यों धारण किया है? उठा लो उठा लो। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैंने अम्मा की तरह मौन व्रत ले लिया है, क्योंकि मैंने ये मन्नत मांगी है कि जब तक ये वापस नहीं आ जाते मैं अपने मुख से एक भी शब्द नहीं निकालूंगी। मेरी बुआ भी नहीं बोल पाती थी। ये बोला शारदा ने? नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि मेरी बुआ भी नहीं बोल पाती थी और इसी तरह संकेतों में बात करती थी और मैं सब समझ जाती थी। क्या मैं सब समझ जाती थी? अरे अम्मा संकेतों में बात करती थी और शारदा सब समझ जाती थी। क्यों शारदा? अरे मेरे बाल क्यों नोच रही हो? क्योंकि अम्मा ने कहा नोचने के लिए। ओहो, ये कांता तो समझ ही नहीं रही। भगवान उठा लो, उसकी बुद्धि पे चाहे बादल उठा लो ताकि वो मेरी बात समझ सके। चोटी, रामा, मौन व्रत ले लिया है। ओ, अम्मा कह रही कि उन्होंने मन्नत मांगी है कि जब तक उनके पति वापस नहीं आ जाते तब तक वो मौन ही रहेंगी, है ना अम्मा? नहीं 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 नहीं, हे प्रभु, ये नहीं हो सकता। अर्थात जिस प्रकार मेरे बापू जीवन भर अम्मा के संकेतों के कारण परेशान रहे, उसी प्रकार अब मुझे भी तुम्हारे मौन व्रत के कारण परेशानी सहनी पड़ेगी। अर्थात अब तुम भी अम्मा की भांति शारदा अम्मा हो गई हो। उचित है तब से मैं भी तुम्हें शारदा की जगह शारदा अम्मा कहकर पुकारूंगा। हूँ, झाड़ू क्यों उठा रही हो? नहीं नहीं नहीं, अरे मारना नहीं, अरे मारना नहीं मुझे। सुनो ना, कितने वर्षों से किसी को अम्मा नहीं कहा, तो तुम्हें शारदा अम्मा कहने दो ना। सुनो, मैं सब समझता हूँ, तुम कदापि चिंतित मत हो, आप अवश्य लौट कर आएंगे, तुम्हारी मन्नत भी पूर्ण होगी। बस जब मन्नत पूर्ण हो जाए ना, ये मौन व्रत तोड़ देना। क्या है? अब कहाँ चल दिए? मोरपंख लाने। अब तो मैं किसी भी तरह मोरपंख वापस लेकर ही आऊंगा। हे कान्हा जी, आज भास्कर के प्रति हमारे व्यवहार के लिए हमें क्षमा करना, परंतु पिताश्री को हमने वचन दिया है हम चाकर भी भास्कर से वार्तालाप नहीं कर पाए। कान्हा जी, न जाने भास्कर हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, अवश्य ही उन्हें बहुत ही अप्रिय लगा होगा, परंतु प्रभु भास्कर के हृदय में हमारे प्रति कोई दुर्भावना मत आने देना।
मोरपंख के कारण कहीं मैं ही ना फंस जाऊं। अभी कोई आए थे, आप जल्दी से जाके देखे कहां गए वो। जी। कौन है वो? ठहरो, ठहरो। वीरगति प्राप्त सैनिकों के कवच। ओ तेरी, ये कहाँ आ गया भास्कर? ये तो बड़ी भयानक जगह प्रतीत होती है। चल भाग यहाँ से, शीघ्र यहाँ से निकल ले। भाग 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 भाग। सैनिकों, ये सारे कवच किसी काम के नहीं हैं। सबको ले जाओ और तपती भट्टी में डाल के पिघला दो और फिर नई तलवारें बनाओ। चलो। ओ तेरी भास्कर, ये लोग तो तुझे भस्म करने की तैयारी में हैं। बहुत बहुत भाग यहाँ से बहुत। यहाँ एक कवच था, कहाँ चले गया? ये कवच यहाँ कैसे आया? मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये यहाँ पर आया कैसे? तुम ये सोच रहे होगे कि यहाँ कैसे आया? सोचने का काम तुम्हारा नहीं, मेरा है। ले जाओ, इसे भी ले जाके भट्टी में पिघला दो। किंतु तभी पहाड़ी से नीचे खाई में गिर के उसकी मृत्यु हो गई। जब तक हम स्वयं उसका शवदाह देख लें, हम नहीं मान सकते कि वो मर चुका है। हमें पंडित रामकृष्णा का शव चाहिए।